है कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रखी और उसमें सात बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर ये जो बेलपत्र हैं सात बेलपत्र गंगा जल के अंदर ये दो पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जा बहुत सावधानी से सुनिएगा एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए सात बेलपत्र लेना है एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए घी का एक दीप लगा लीजिए और देवालय महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर उस जल को लेकर आ जाइए बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए जो जल आप लेकर धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में दो बार हो रहा है तो हफ्ते में एक बार होगा फिर महीने में एक बार होगा फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद होगा एक पत्र